आमिर खान का नया प्रमोशन फंडा, एकता किससे हो रही है इंस्पायर, अरशद वारसी और मारिया आएंगे एक साथ, समीर सोनी बने संजय लीला भंसाली, नील नितिन मुकेश ने खुद को गिफ्ट किया एक प्लश हाउस, अक्षय डजंट लाइक बुलशिट, त्रिशा को है किस बात की कंप्लेन, इमरान खान से कौन हुए इम्प्रेस, राजू हिरानी हुए एम्बेरस, मुग्धा गोडसे दोबारा पहनेंगी बिकिनी, कंगना रनौत सीख रही है इंग्लिश, अजय देवगन और अक्षय कुमार का आमना सामना, एकता ने किससे ली सलाह, प्रियंका चोपड़ा कर रही है पार्टी, इमरान खान के थॉट्स। सुधीर मिश्रा'स फेवरेट प्रिटी गर्ल चित्रांगदा सिंह, फिल्म से ज्यादा चित्रांगदा पार्टीज और लॉन्चेस पर नजर आती हैं। इस चित्रांगदा वेरी चूजी व्हेन इट कम्स टू सिलेक्टिंग स्क्रिप्ट्स, या उन्हें ऑफर्स ही नहीं मिल रहे। लेट्स हियर फ्रॉम हर सेल्फ व्हाट शी हैज टू से अबाउट हर एब्सेंस फ्रॉम द बिग स्क्रीन। हर एक्टर ऐसी फिल्म करना चाहते हैं, ऐसा कैरेक्टर प्ले करना चाहते हैं जिसको वो बखूबी निभा सके, सो आई विल आल्सो मेक चॉइसेस इन द सेम वे, आई विल मेक चॉइसेस दैट सूट मी एज अ पर्सन एज वेल, दैट आई कैन डू वेल। इट्स नॉट दैट आई एम वेरी चूजी और एनीथिंग, आई जस्ट लाइक टू डू स्टफ दैट आई कैन डू वेल, सो या आई एम जस्ट टेकिंग इट स्लो एंड आई एम एंजॉयिंग माय सेल्फ। हजारों ख्वाहिशें ऐसी और फिल्म सॉरी भाई के बाद इट्स सर्टेनली बीन अ व्हाइल सिंस वीव सीन चित्रांगदा इन अ फुल फ्लेज्ड रोल। वैसे इनकी दो आने वाली फिल्म्स देवदास और ध्रुव हैं जो सुधीर मिश्रा डायरेक्ट करने वाले थे, लेकिन अफसोस की बात यह है दैट द फिल्म्स हैव बीन पुट ऑन होल्ड। देवदास एंड ध्रुव आर ऑन होल्ड, दे आर नॉट हैपनिंग, लेकिन ध्रुव विल हैपन, बट आई थिंक डेट प्रॉब्लम्स हो रही है काफ़ी टाइम से, सो इट इज़ ऑन होल्ड। अभी मेरी फिल्म है ये साली जिंदगी जो सुधीर मिश्रा जी ने डायरेक्ट करी है ऑपोजिट इरफान खान, दैट इज़ व्हाट आई एम रियली लुकिंग फॉरवर्ड टू। Irfan Khan and Chitrangada Singh as on-screen couple. We are not too sure what that will turn out to be like. But what about Shaini Ahuja, jinke saath Chitrangada ne debut ki thi? Inki pairing ko bhi logon ne kaafi pasand kiya. Well, I do hope the best for Shaini. Till somebody is not proven guilty, I don't think he's guilty. So ye galat hai mere khayal se ki aap pehle se kisi ko ek tag de de jab tak wo prove nahi hua hai in court of law. I do wish him the best. I do hope that he comes back. Because he's also an actor. I mean, he's a person, but he's also an actor, and I hope he comes back and he's a good actor. वैसे चित्रांगदा आई तो थी एक क्लोथिंग स्टोर के लॉन्च पर, जहां वो काफी सेक्सी लग रही थी इन अ ब्लैक ड्रेस। Well, anyways, let's hope to see Chitrangada soon on the big screen. मुग्धा गोडसे जो हमें फैशन में टू पीस में दिखाई दी थी, वो दोबारा बिकनी में ही अपनी हॉरर थ्रिलर फिल्म हेल्प में नजर आएंगी, जिसमें उनका साथ देंगे बॉबी देओल, जो अगस्त 13 को रिलीज हो जाएगी। कंगना रनौत आजकल ट्यूशंस ले रही हैं इंग्लिश लेसन्स के, ताकि वो अपनी अंग्रेजी की प्रोनाउंसिएशन सुधार सके। वैसे कंगना इंग्लिश के साथ साथ फ्रेंच भी सीख रही हैं, क्योंकि उन्हें अगले साल फ्रांस में वेकेशन पर जाना है। इस दिवाली अजय देवगन और अक्षय कुमार का दोबारा होगा सामना बॉक्स ऑफिस पर, क्योंकि इस दिवाली अजय देवगन की गोलमाल 3 और अक्षय की एक्शन रीप्ले होगी रिलीज। वैसे पिछले साल अक्षय की ब्लू और अजय की ऑल द बेस्ट रिलीज हुई थी। एकता कपूर ने अपनी फिल्म वंस अपॉन अ टाइम इन मुंबई में एक एक्स्ट्रा ए न्यूमरोलॉजिस्ट संजय जुमानी के कहने पर ऐड किया, और जुमानी जी तो ये भी कहते हैं कि एकता को उन्होंने फिल्म की रिलीज डेट प्रीपोन करने को कहा था, ना कि कंगना के एस्ट्रोलॉजर ने। प्रियंका चोपड़ा अपनी फिल्म सात खून माफ की शूटिंग कूर्ग के जंगलों में कर रही थी, जिस वजह से वो पूरे 65 दिनों तक थी मुंबई से बाहर, और मुंबई में आते ही शी पार्टीड हार्ड विद ऑल हर फ्रेंड्स टू सेलिब्रेट हर बेस्ट फ्रेंड्स बर्थडे। इमरान खान जो अपनी फिल्म आई हेट लव स्टोरीज को प्रमोट करने के लिए शर्टलेस हुए, उनका न्यूड सीन्स और किसिंग सीन्स के बारे में कुछ ये कहना है, गोइंग न्यूड डजंट बॉदर मी एंड नीदर डस परफॉर्मिंग किसिंग सीन्स ऑन कैमरा, बट ओनली इफ द रोल डिमांड्स इट। कल होगा अ बिग डे फॉर सोनम कपूर एंड इमरान खान, क्योंकि कल होने वाली है रिलीज आई हेट लव स्टोरीज। लगता है सोनम की दिलचस्पी स्ट्रिप्ड मेन में काफी बढ़ गई है। कुछ दिनों पहले सोनम ने इमरान और रणबीर दोनों के स्ट्रिप्ड होने पर चुटकी ली थी,
और अब आजकल सोनम फुटबॉलर क्रिस्टियानो रोनाल्डो का एक इनर वेयर एड काफी दिलचस्पी से देख रही हैं। और सोनम के चक्कर में आ गए इमरान खान भी। वेल, सोनम और इमरान आए तो थे अपनी आने वाली फिल्म आई हेट लव स्टोरीज को प्रमोट करने, लेकिन बात करते करते सोनम हो गई आउट ऑफ कंट्रोल। लेकिन साथ ही वो छुपा नहीं पाई फिल्म को लेकर अपनी नर्वसनेस भी। For me, it's a little weird to think that it's just 2 days away. Scared. I'm very scared. But at the same time, I'm a little confident. I'm hoping the audience will like the film. We've got a very good response so far. So I'm hoping everyone has the same reaction. काफी नर्वस हैं इमरान और सोनम अपनी आने वाली फिल्म आई हेट लव स्टोरीज को लेकर, जिसके लिए दोनों ने पुनीत के साथ मिलकर कर दिया है रात दिन एक। वेल, ये तीनों आए थे आई हेट लव स्टोरीज पर बेस्ड मोबाइल गेम को लॉन्च करने के लिए। जहां सोनम और इमरान ने बताया कि रियलिटी में उन्हें कौन कौन से मोबाइल गेम्स पसंद हैं या नहीं। I play a lot of Xbox. I've been playing Halo since the first one, so all three Halos. I play the entire Prince of Persia series, Splinter Cell series. Currently, what am I doing? I just finished Gears of War and the new Batman game. लगता है दिस टाइम इमरान वॉज इन अ बिट ऑफ अ नॉटी मूड। इमरान ने तो हमें बताया एक रीसेंट इंसिडेंट के बारे में, जहां ही वॉज बिटन बाय एन ओवर एक्साइटेड फैन एट अ प्रमोशनल इवेंट इन दुबई। एक नाइट क्लब में इट्स द होल थिंग गॉट टेकन आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट। आई थिंक शी वाज ट्राइंग टू किस माय हैंड और समथिंग, पता नहीं। बाहर बहुत सारे लोग थे, मैं बहुत सारे लोगों के साथ हाथ मिला रहा था, हेलो 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 हेलो, और एक लड़की ने मेरा हाथ पकड़ लिया और मुझे उसके तरफ खींच रही थी। So the security were pulling her back, security were pulling me back. I don't think that she was trying to actually hurt me. Or she just took the chocolate boy tag too seriously. Well, अब जब इमरान के पास इतनी सारी फीमेल फैंस हैं, जिनमें से कई क्रेजी फैंस भी हैं, इन सभी लड़कियों के बारे में अवंतिका कैसा फील करेंगी? Jealous perhaps? She's very happy. Yeah, actually, उसका ये मानना है कि मेरी जितनी फैंस हैं, जितनी फीमेल फैंस हैं, I will be all the more successful. Well, अब जब I Hate Love Stories रिलीज होने ही जा रही है, तो अब देखना ये है कि सोनम और इमरान की नर्वसनेस दूर करने में ऑडियंस उनका कितना साथ देती हैं। खान अपनी प्रोडक्शन फिल्म पीपली लाइव के प्रोडक्शन के लिए एक नई टैक्टिक्स यूज कर रहे हैं। वो 45 सेकंड्स का एक टीजर बनाएंगे, जिसमें उनका मजाक बनाया जाएगा, मगर इस प्रोमो में फिल्म पीपली लाइव का जिक्र कहीं भी नहीं होगा। हाँ, मगर फिल्म के कैरेक्टर्स का नाम जरूर होगा। एकता कपूर के सीरियल्स अब हॉलीवुड से इंस्पायर्ड होंगे। दरअसल एकता हॉलीवुड फिल्म ट्वाइलाइट सीरीज पर बेस्ड एक सीरियल बनाएंगी। चलिए इसी बहाने एटलीस्ट एकता के ऑडियंसेस को सास बहू सागा से कुछ अलग तो मिलेगा। अरशद वारसी और उनकी वाइफ मारिया गोरेटी ने अपने गिले शिकवे भुला दिए हैं, और अब इस बात को प्रूफ करने के लिए ये दोनों एक साथ डांस परफॉर्मेंस देंगे एक रियलिटी शो पर, जिसे खुद अरशद जज करते हैं। सुनने में आ रहा है कि आई हेट लव स्टोरीज में समीर सोनी का रोल करण जौहर का है, मगर अब कहा जा रहा है कि समीर का रोल करण का नहीं, मूडी डायरेक्टर संजय लीला भंसाली का है। इन शॉर्ट, वो इस फिल्म में संजय लीला भंसाली बने हुए हैं। नील नितिन मुकेश, जिन्होंने कुछ ही दिन पहले अपने डैड को एक लग्जोरियस कार गिफ्ट की थी, उन्होंने अपने बर्थडे पर खुद ही के लिए एक अपार्टमेंट खरीदा मुंबई के प्लश इलाके में, जिसका पोजेशन इन्हें 5 दिनों बाद मिलेगा। फिल्म खट्टा मीठा के एक सॉन्ग में अक्षय ने नाना जी टांग कह दिया। अब ये फिल्म के दूसरे ट्रैक में कहेंगे आई डोंट लाइक बुलशिट, जो ये पॉलिटिक्स और पॉलिटिशियंस को कह रहे हैं। इस फिल्म में अक्षय एक ईमानदार कॉन्ट्रैक्टर बने हैं, जो करप्ट सिस्टम से परेशान है। अक्षय कुमार सिर्फ उनके स्टंट्स के लिए ही नहीं, उनके प्रैंक्स के लिए भी मशहूर हैं। हर फिल्म की शूटिंग के दौरान हर को स्टार पर प्रैंक करने वाले अक्षय ने अपनी फिल्म खट्टा मीठा की एक्ट्रेस त्रिशा पर कोई प्रैंक नहीं किया, जिससे त्रिशा थोड़ी शॉक जरूर हैं, मगर कंप्लेन भी कर रही हैं कि अक्षय ने ऐसा त्रिशा के साथ क्यों किया।
इमरान खान जिन्होंने अपने हेक्टिक स्केड्यूल में से अपनी फिल्म आई हेट लव स्टोरीज को प्रमोट करने के लिए वक्त निकाला, स्टमक अपसेट होने के बावजूद 16 घंटे एक इवेंट में उन्होंने दिए। इमरान की इस डेडिकेशन को देखकर फिल्म के डायरेक्टर पुनीत मल्होत्रा और प्रोड्यूसर करण जौहर इमरान से काफी इंप्रेस्ड हैं और उनकी तारीफ करते नहीं थक रहे। वेल, इसके बाद अगर आपको इमरान धर्मा प्रोडक्शन की हर दूसरी फिल्म में नजर आ जाए तो चौंकिएगा नहीं। राजू हिरानी रिसेंटली काफी एम्बैरस हुए क्योंकि इन्हें एक अवार्ड फंक्शन में पूरे 17 बार स्टेज पर अवार्ड लेने जाना पड़ा उनके फिल्म थ्री इडियट्स के लिए। राजू बार बार लोगों से मिल रहे अटेंशन को देख काफी शर्मिंदा हुए। सो दैट्स ऑल फॉर नाउ, स्टे ट्यून्ड फॉर मोर अपडेट्स लेटर इन द डे।